हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दो रेसिपीज़ जो डिनर रेसिपीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये है 5 मिनट में बनने वाले जीरा राइस, जिसमें आपको चावल को भिगोना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ 5 मिनट में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं, एकदम खिले खिले बनते हैं और नॉर्मल जीरा राइस से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही हम इसे पैर करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के साथ जो सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें किसी भी खास सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये ढाबे स्टाइल में हम बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी लगती है। इसे सेव टमाटर की सब्ज़ी कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही झटपट बनने वाली ये दो रेसिपीज़ हैं जिन्हें आप डिनर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इन्हें कैसे बनाते हैं। 5 मिनट में जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हमने 1 कप चावल लिया है। ये बासमती राइस मैंने यहाँ यूज़ किया है, आप चाहे तो जो भी राइस आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि पैकेजिंग के समय इसमें जो भी इम्प्योरिटी रहती है वो निकल जाए। तो देखिए, 3 बार पानी से धोने के बाद ये अलग हमने कर लिया है इसमें से पानी। अब कोई भी कुकर ले ले और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। तो अगर आप जमा हुआ घी ले रहे हैं तो ये 2 टेबलस्पून ले, अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो 2.5 से 3 टेबलस्पून इसे ले लें। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो देखिए, कुछ खड़े मसाले मैंने अलग कर लिए हैं, जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 3 काली मिर्च, साथ ही 1 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी और 1 तेज़पात है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए, कुकर का घी जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर 2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और लगभग 10 सेकेंड के लिए इसे सॉटे करेंगे ताकि जीरा अच्छे से सिक जाए। इसके बाद तुरंत ही हम इसके अंदर जितने भी ये खड़े मसाले हमने यूज़ किए थे सब डालेंगे, जिसमें हमने हरी इलायची को हल्का सा ऊपर से खोल लिया है, और इसे भी हम 10 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे, इन्हें हमें जलाना नहीं है। इसके बाद तुरंत ही हमने जो भीगे हुए चावल थे उसे इस कुकर में डाल दिया है। एक बार हल्का सा हम इसे स्टर कर लेंगे और सारे मसालों को चावल में मिला लेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। तो 1 कप चावल पे 1.5 कप पानी इसमें जाएगा, और उसके बाद फिर से हम इसे एक स्टर देंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कोथमीर भी इसमें डालेंगे, और एक हल्का सा मिक्स देकर नमक और कोथमीर को मिला लेंगे। इसके बाद आप कुकर की लिड को कुकर पर रख दें और इसे अच्छे से टाइट कर दें, और उसके बाद फ्रेंड्स इसे आप हाई फ्लेम पर रख दें और 1 सीटी आने तक का इंतज़ार करें। तो देखिए, 1 पूरी सीटी इसमें आ चुकी है, और उसके बाद हम इस कुकर को बंद कर बाहर अलग रख देंगे और वेट करेंगे कि इसके अंदर जितना भी प्रेशर या जितना भी स्टीम है वो अपने आप रिलीज़ हो जाए। तो देखिए, इसमें से पूरी गैस रिलीज़ हो चुकी है। तो इसके कवर को आप हटाएंगे, और ये देखिए, सिर्फ 4 से 5 मिनट इस प्रोसेस में आपको लगेंगे चावल को सेकने और कुकर में फ्राई करने में। पर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, एकदम खिला खिला चावल आपको इसमें मिलता है, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं पका हुआ होता है और बहुत कम भी नहीं। इसे आप हिलाएंगे तो देखेंगे ये आपस में क्रश भी नहीं हो रहे हैं, और साथ ही इसमें पूरा जीरे राइस का फ्लेवर है, जो हम डेली घर में अलग से चावलों को भिगोकर और फिर इसे तड़का देकर जीरे राइस बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छे ही खाने में लगते हैं। आप एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इसी तरीके से फिर जीरा राइस बनाना चाहेंगे। आप इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं उसे तुरंत अलग कर सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर ही रहकर इसे ऐसे ही ले सकते हैं। इसे अब हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, और फाइनली अब हम इसे गार्निश करेंगे कोथमीर की पत्तियों से। तो तैयार है हमारा सिर्फ 5 से 6 मिनट में बनने वाला बहुत ही क्विक प्रोसेस से जीरा राइस, और ना इसे अलग से फ्राई करने की ज़रूरत है, ना किसी अलग बर्तन की ज़रूरत है। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 तरीके की सेव ली हैं, इससे सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो एक तो एकदम बारीक शेव है जो हम नॉर्मली खाते हैं, और दूसरी इसे लॉन्ग शेव भी कह सकते हैं या थोड़ी मोटी सेव है। तो ये 2 वैरायटी आप यूज़ करें। अब हम कोई सा भी पैन या कढ़ाई ले लेंगे, और इसके अंदर हमने ऐड किया है 1/3 यानी कि 1/3 कप ऑयल, ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें और डाला है, और फिर इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दिया है। तेल के मीडियम हॉट हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पात, 1.5 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 काली मिर्ची, और इसे हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे, हमें इन्हें जलाना नहीं है। तुरंत ही हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर ये आपके पास नहीं हो तो कुटी हुई लहसुन और अदरक का आप 1 टेबलस्पून पेस्ट इसमें डाल दें। इसे भी फिर सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए हम सॉटे करेंगे। लो फ्लेम पर ही हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो इसे अच्छा कलर देगी पर कम तीखी होती है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इन सभी ड्राई मसालों को हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सॉटे करने पर जल सकते हैं।
इसके अंदर तुरंत ही हमने 1/4 कप पानी यानी कि 3 टेबलस्पून जितना पानी डाला है ताकि ये मसाले जले नहीं, और इसे भी हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम फ्लेम को मीडियम ले आएंगे। इसके बाद फ्लेम को मीडियम लाने पर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप प्याज। ये बहुत बारीक कटा हुआ प्याज भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी का है, और इसे हम लगभग 4 मिनट के लिए सॉटे करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप टमाटर, ये भी मीडियम कंसिस्टेंसी में कटे हुए हैं जो लगभग डेढ़ टमाटरों के जितना होता है, और इसे भी हम सिर्फ 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। उतनी देर में आप देखेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट या मुशी हो जाते हैं, तब आप किसी भी चम्मच के बेस से इन टमाटरों को बहुत आसानी से अच्छे से क्रश कर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरे टमाटरों को क्रश कर दें ताकि आपको ग्रेवी की एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाए। इसके बाद हम तुरंत ही फ्लेम को वापस से लो कर लेंगे और थोड़े एक्स्ट्रा के मसाले जो बच गए हैं उन्हें डालेंगे। इसमें डाला है आधा टीस्पून या 2/3 टीस्पून नमक, आप अपने हिसाब से नमक डालें क्योंकि इसमें सेव ऑलरेडी है तो नमक कम जाएगा। आधा टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही ताकि इसका फ्लेवर रिच हो पाए, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें बटर डाला है स्वाद के लिए, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाली है तो ताकि इसमें जितना भी खारापन है उसे ये बैलेंस कर पाए, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया डाला है, और उसके बाद इसे एक अच्छा सा मिक्स दिया है। इसके बाद तुरंत ही हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है, और अब इसमें बचा हुआ 1 टेबलस्पून धनिया हमने और डाला है, और साथ ही ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मैच करने के लिए 1/4 कप पानी इसमें डाला है, और मीडियम फ्लेम पर ही इसमें एक बॉयल आने दिया है। इसमें सेव हमेशा आप आखिर में ही डालिए क्योंकि अगर जल्दी डाल देंगे तो सेव एकदम घुल जाएगी और ये ग्रेवी में सेव अलग से आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखिए एक बॉयल आने के बाद इसमें दोनों तरह की सेव हमने डाली है, बारीक से हमने लगभग आधा कप की जितनी डाली है, और मोटी या फिर लोन सेव हमने इसके अंदर 1/4 कप की जितनी डाली है। उसके बाद इसे एक मिक्स दिया है, तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। चूँकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है तो हम इसमें तड़का नहीं देंगे, पर इसे गार्निश करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अनियन रिंग्स और साथ में थोड़े से टमाटर के रिंग्स। तो टोटल मैंने 4 के जितने अनियन रिंग्स और 3 से 4 जितने टमाटर रिंग्स इसमें डाले हैं, और इन्हें मिक्स करने के बाद आप तुरंत ही गैस को बंद कर दें, ये पूरी सर्विंग को एक सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लजीज और जायकेदार ढाबे स्टाइल सेव टमाटर की सब्ज़ियाँ बनकर तैयार है। आप इसे खाएंगे तो आपको एकदम ढाबे का स्वाद इसमें आएगा, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें क्योंकि कम टाइम में बन जाती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, और कोई स्पेशल रेसिपी इसमें आपको या स्पेशल सब्ज़ी का इसमें आपका इस्तेमाल नहीं दिखा होगा। सेव की सब्ज़ी में आप चाट मसाले का यूज़ हमेशा करें क्योंकि वो इसे एकदम अलग फ्लेवर देता है। आप सब्ज़ी पहले बना कर रख लें और जब भी आप इसे सर्व करें उसी समय इसे गर्म करते समय इसमें सेव डालें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों ही डिनर रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।